किन्नौर को पर्यटन मानचित्र पर उभारने के लिए हिमाचल सरकार वचनबद्ध है। इस दिशा में मुख्यमंत्री ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। किन्नौर में हेलीटैक्सी व एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से काम जारी है। ये बात हिमाचल प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने बताया कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री किन्नौर का दौरा करेंगे। इस दौरान लोगों की लंबे समय से चली आ रही कई मांगें पूर्ण होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का हाल ही का किन्नौर दौरा अत्यंत सफल रहा। सूरत नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान पूह मुरंग और रिकोंगपियो में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई शिलान्यास भी किए। सूरत नेगी ने कहा कि भाजपा के कुल्लू जिला के मोर्चे के एक नेता और उसकी पत्नी को कुल्लू में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ विधानसभा चुनाव में काम करने के आरोप में निष्कासित किया गया था, जिसके बाद महिला अब तथ्यहीन आरोप लगा रही है। ये तो सिर्फ जो है हमने पूर्व तहसील के लोगों का कार्यक्रम रखा था और हमारे तीनों स्थानों पर कार्यक्रम जो है लोगों ने जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया, चाहे वो पूह में हो, चाहे मोरंग के अंदर हो, रिकोंगपियो में हो, तीनों स्थान पर ऐतिहासिक उनका स्वागत हुआ है और उन्होंने भी दिल खोल कर किन्नौर की जो भी हमने मांगा, ये पहली बार हुआ होगा कि जो भी हमने मांगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा मन से की। ये जो विषय सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ है, मुझे लगता है कि जिन्होंने इस विषय को उठाया है ये इरिस्पॉन्सिबल व्यवहार उन्होंने किया है। जो सामने लाई गई है, पहले भी पार्टी के सामने लाई गई है कि जिस महिला ने ये विषय किसी को मेल किया है, माननीय पवन जी को मेल किया है, कह रहे हैं एक तो वो मेल ऑथेंटिक नहीं है। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।